छोटे लाल तुम मुझे कुछ दिखाने वाले थे? हाँ आप देखोगे बताओ। दूर रखो छोटे लाल, छोटे लाल मैंने कहा ना दूर रखो छोटे लाल। अरे भैया जी रुकिए, प्लास्टिक का है, कार्ड भी लेगा तब भी जहर नहीं पहलेगा। पर छोटे लाल, छोटे लाल तुम जानते हो ना मुझे सांप से डर लगता है। अरे भैया जी चौबारी के राम गंगा मेले थे, अभी अभी खरीद के ला रही हूँ, हम दोनों भी मेले में चलेंगे, बड़ा मजा आएगा मेले में। छोटे लाल बचपन की याद दिला दी यार, ठीक है चलेंगे इकट्ठे मिलके चलेंगे। और भैया जी वहां जाके ना गोल वाले चक्कर में झूला झूलेंगे, बंदूक से गुब्बारे फोड़ेंगे और बुड्ढी के बाल खाएंगे। हाँ छोटे लाल, और तो और हमें ना गेंद से डब्बे भी फोड़ेंगे, मौत का कुआं भी देखेंगे, खूब मजे करेंगे। छोटे लाल तुम हो ना तो ये बचपन की छोटी मोटी खुशियां मुझे अब भी मिल जाती है। सच्ची भैया जी एकदम। क्या हुआ छोटे लाल, रो क्यों रहे हो? भैया जी आज आपकी ये बात सुन के ना इस छोटे लाल का दिल ना गद गद हो गया है। खुशी के मारे भैया जी, खुशी के मारे। अच्छा भैया जी आप ना आज मेरे को एक वादा करो। नहीं 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 मेरी कसम खाओ, कसम खाओ, मेरी कसम खाओ कि हम दोनों भाई ना कभी अलग नहीं होंगे। अरे सवाल ही नहीं उठता छोटे लाल, भूकंप आए चाहे जलजला। चल जा, तू जा, बड़ी बड़ी आई, बड़ी देखे तेरे जैसे। हाँ ये क्या हो रहा है छोटे लाल, हमारी मम्मियों के बीच में झगड़ा हो रहा है। अरे जा, भगवान करे तूफान आए और तू उड़ जाए, भगवान करे भूकंप पे धरती फट जाए और तू उसमें समा जाए। आज के बाद हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे, रज्जो कह देते हैं। वाह वाह का चमत्कार हो गया, मुसीबत टली, अब अपना सकल मत दिखाना कभी। भूकंप जलजला दोनों आ गया। छोटे लाल हमारी मम्मियों के बीच में झगड़ा, मतलब हमारी बचपन की दोस्ती में खतरा। मम्मी बाहर क्या हुआ? मत पूछो। हाय हाय देवर जी, सासु माँ और सुर्रू मौसी के बीच युद्ध छिड़ गया। अरे भाभी पर हुआ क्या वो तो बताइए। हाय हाय देवर जी, हुआ ये कि कल रात को सासू माँ सुर्रू मौसी के लिए समोसे बना रही थी, क्योंकि सुर्रू मौसी को सासू माँ के हाथ के समोसे बहुत पसंद है ना। हाँ तो भाभी, तो आज जब सुर्रू मौसी समोसे खाने के लिए आए तो बस खाती गई खाती गई खाती गई खाती हाँ, गई। हाँ भाभी खाती गई खाती गई, अब आगे भी तो बढ़ी है ना। आगे टक्कर नहीं आई है? बस होना क्या था, हमारी सासू माँ नाराज हो गई। अरे पर क्यों? हाय हाय देवर जी, कोई आपके बनाए हाथ का खाना खाए और संतोष वाला डकार ना ले तो आपको बुरा लगेगा ना। बहू इस कबाड़ी वाले से कह दे, इससे और इसकी माँ से हमारे घर का कोई वास्ता नहीं है, ये चले जाए यहाँ से। आंटी जी वो ऐसा जुल्म मत कीजिए ना, वो मेरी मम्मी जी की ना गैस की बीमारी ठीक हो गई है, इसलिए डकार नहीं आई होगी। जो भी हो पर हमें बहुत तकलीफ हुई है, हम माफ नहीं कर सकते। लल्ला इसकी नकचड़ी माँ से हमने दोस्ती तोड़ दी है, अब हमारे लिए तुझे भी इस कबूतर से दोस्ती तोड़नी होगी। हमें हमें पर क्यों? क्यों तुझे कसम है हमारी, मम्मी आपकी कसम में मेरी सारी मस्ती भस्म हो गई, कहाँ गर्लफ्रेंड को मिस करने के दिनों में छोटे लाल को मिस कर रहा हूँ। मेंढक जैसी आंखें, उसके झाड़ू जैसे बाल, झोकर जैसी नाक और निरंतर बकबक करता मुंह याद आ रहा है मुझे, खटोटकर जैसा है, पर एक ही तो दोस्त है ना मेरा पूरी बरेली में। मम्मी भैया जी लक्ष्मण रेखा छड़प के आ जाओ, पतली गली से निकल लेते हैं मेले के लिए। अरे पतली गली से कैसे आऊं छोटे लाल, मम्मी ने इतनी मोटी कसम जो दी है। छोटे लाल मम्मी की कसम नहीं तोड़ सकता, इसलिए नहीं आ सकता। भैया जी अपने छोटे लाल के साथ ऐसा मत करो भैया जी।
भाभी नाश्ते में क्या है? नाश्ते में डिब्बे हैं। कॉकरोच। क्या? अरे नहीं नहीं भाभी, कॉकरोच भी मैं नहीं खा सकता। अरे मैं वेजिटेरियन हूँ। हाय देवर जी, सासू माँ किचन में कॉकरोच ऐसे ढूंढ रही है जैसे दूध चार जन्मों के दुश्मनी निकाल रही हो। अरे पर भाभी, हमारे घर में कॉकरोच तो नहीं है। सासू माँ के एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में डंडा है, हमारी हिम्मत तो है नहीं पूछने की। आप चाहिए चाहिए पूछे जाके। नहीं नहीं नहीं, उससे अच्छा तो मैं अजय के यहाँ जाके नाश्ता कर लेता हूँ ना। वो भी तो नहीं कर सकता। हाय हाय देवर जी, सासू माँ की कसम। हाँ भाभी, वही तो है। हाय हाय देवर जी, सासू माँ ना सुर्रू मौसी से लड़ाई झगड़े के बाद से ऐसी बहकी बहकी हरकतें कर रही है। मुझे तो लगता है मम्मी सुर्रू मौसी को बहुत मिस करती हैं। हाय हाय देवर जी, तू क्या सासू माँ कॉकरोच में सुर्रू मौसी को ढूंढ रही है? शायद। हाँ? अरे बाप रे, भैया। अरे बारे क्या कर रहे हो? हम पर ये मच्छर मारने का स्प्रे क्यों छिड़क रहा है? अरे हम कोई मच्छर नहीं है, तुम्हारे सगे भाई हैं। अरे भैया मैं तो मधुमक्खी भगा रहा हूँ। मधुमक्खी? कहाँ है मधुमक्खी? अरे भाई तो पूछ रहा हूँ कहाँ है मधुमक्खी। अरे हमें कैसे पता? तो आप ऐसे डर के मारे हाथ पैर हिलाते हुए मधुमक्खी से नहीं भाग रहे थे? अरे नहीं माना तो? अरे हम तो मम्मी के डर से भाग रहे हैं। अरे पर भैया मम्मी तो नहीं काटती। हाँ मारती जरूर है। वही तो। अरे मम्मी का कहना है कि हम मोटे होते जा रहे हैं। वो कह रही है कि हमें भाग भाग के इस कमीज में पसीना निकालना है, और अगर पसीना ना निकले तो हमें खाना नहीं मिलेगा। क्या? अरे ये तो अत्याचार है भैया। ऊपर से मौसम बेजार है। अरे अभी इस सर्दी के मौसम में कहाँ से लाएं पसीना, तुम बताओ मानो। भैया मम्मी ना अजीब अजीब हरकतें कर रही है जब से सुर्रू मौसी से उनका झगड़ा हुआ है। क्या मतलब? भैया मतलब ये कि कल दिन में आज के बाद हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे, रज्जो कह देते हैं। वाह वाह, का चमत्कार हो गया, मुसीबत टली। और फिर किचन में कॉकरोच ढूंढो अभियान, और उसके बाद आप ऐसे परेशान। अब तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि मम्मी और सुर्रू मौसी की दोस्ती हो जाए। अब फिर कैसे? सॉरी 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 भैया। भैया कैसे? भाभी बच्चे और भैया कहाँ हैं? हाय हाय देवर जी, बच्चे सो गए और आपके भैया को सजा मिली है। क्यों? हाय हाय देवर जी, आपके भैया इतना भागे फिर भी उनकी सरट गीली नहीं हुई, इसीलिए सासू माँ ने उनका रात का खाना बंद कर दिया। बाप रे। मानो तेरी मम्मी मुझे ऐसे खाना खिला रही है जैसे हम इंसान नहीं पूरी बारात। ओहो, स्वाद की देवी के दर्शन हुए। बेटा खाना खाने में बाप की मदद करना। पर अभी तो आप स्वाद की देवी के दर्शन कर रहे थे ना। अरे तेरी स्वाद की देवी मेरा गला घोट रही है, पेट पट रहा है भाई। नहीं नहीं पिताजी। भाभी मम्मी को क्या हो गया है? हाय देवर जी, वो सुर्रू मौसी से झगड़ा हुआ था ना, इसीलिए सासू माँ उदास है। उदास तो मैं भी हूँ अजय के लिए। पराए लोगों के लिए उदास है, अपनी माँ की परवाह नहीं। नहीं नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। खबरदार खबरदार, उन लोगों का नाम इस घर में लिया तो चुपचाप बैठ और खा। बस पिताजी, हम और नहीं खा सकता, मेरा पेट फट जाएगा। बेटा हमारा सोच हम तुझसे पहले से खा रहे हैं। मम्मी को रोकना होगा पिताजी। अरे देवर जी, सासू माँ का दिमाग बहुत गर्म है, और अभी उनको टोका ना तो धमाका हो सकता है। तो भाभी अब आप ही कुछ कीजिए।
अरे इतनी पूरी तल तल के तो मम्मी थक जाएगी। अरे थक तो हम गए पूरी खा खा। सुर्रू मौसी ने पूरे 8 समोसे खाए और उसके बाद भी टकार नहीं आई। बस सुना क्या था, हमारी सासू मां नाराज हो गई। पिताजी अगर जान बचानी है तो टकार लीजिए। क्या मतलब? अरे मैं जैसा कहता हूँ वैसा कीजिए ना पिताजी। मैं 1, 2 और 3 गिनूंगा और हम दोनों साथ में डकार लेंगे और उसके बाद पेट पे हाथ फेरेंगे। ठीक है? हाँ ठीक है। ते मम्मी आ रही है। 2, 3। आ गई डकार। अब तुम लोग मुंह हाथ धो लेना और सो जाना। बेटा तेरी डकार ने जिंदगी बेकार होने से बचा ली। हाँ पिताजी, काश ऐसी डकार से दोस्ती भी बच जाती। हाय पिताजी, अब कैसा लग रहा है? बहु बेटा ऐसा लग रहा है जैसे हमारे अंदर कोई जानवर फंसा है और छाती फाड़ कर बाहर आने के लिए तड़प रहा है। हाय हाय पिताजी, आप ये सोडा पीजिए, सब बाहर आ जाएगा। छाती फाड़ के डकार की? अच्छा तब ठीक है। अरे भाभी थोड़ा सेफ डिस्टेंस बना कर रखिए वरना आने वाली डकार का प्रहार आप झेल नहीं पाएंगे। पिताजी अब बताइए ना क्या करूं? बेटा इतना ही करने का मन है तो चल पैर दबा दे। अरे पिताजी मैं अजय से वापस मिलने जुलने के लिए क्या करूं? बेटा मिलना जुलना तो तुम्हारी मम्मी भी चाहती है शुरू से। क्या है कि औरत है ना, जब तक इधर उधर की गपशप किसी से करेगी नहीं खाना पचेगा नहीं। तो इसका उपाय क्या है पिताजी? बेटा तुम्हारी मम्मी के साथ चाल चलना ना बड़ा खतरनाक खेल है। पिताजी आप तो पिछले 35 साल से खेल खेल ही रहे तो अब तक तो खतरों से खेलना सीख गए होंगे। हाँ बेटा वो तो है। तो बताइए ना क्या करूं? हाँ अब जब तुम हमारे शरण में आ गए हो बच्चा तो हम तुम्हारे गुरु हुए। तो महागुरु ज्ञान के लिए गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। हैं? हे कृष्ण कन्हैया, आप तो अंतर्यामी हो, सबके स्वामी हो। आपके और सुदामा के किस्से तो मशहूर है पर मुझसे मेरा सुदामा दूर है। मुझे मेरे सुदामा से फिर से मिला दो। मम्मी अकड़ी पड़ी है, इन्हें थोड़ा हिला दो। मम्मी नहीं हिलने वाली चाहे कितनी भी चुगली कर ले भगवान से। पर मम्मी मुझसे मेरा दोस्त दूर है ना। और उसकी माँ ने हमें दुख पहुँचाया उसका कहा? मम्मी आप एक बार सुरु मासी से बात तो कर ले। बस इस घर में उस नकचड़ी और उसके बेटे का नाम भी लिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे लल्ला तू कुछ और मांग, हम जरूर देंगे। अच्छा तो मुझे कुछ ऐसा खिलाइए जो मैंने बहुत सालों से ना खाया हो। मार खाएगा? वो तो परसों ही खाई थी। कुछ ऐसा खिलाइए जो मैंने सालों से ना खाया हो। लल्ला हमारा डरपोक लल्ला। बता क्या बनाए तेरे लिए? ज्वार की रोटी और बैंगन का भरता। पर क्यों क्यों? नाना जब बैंगन चूल्हे पे पकता है तो हमें वो मरे हुए चूहे जैसा दिखता है। और मम्मी मुझे मरा हुआ चूहा पसंद है। नहीं मेरा मतलब है मुझे बैंगन का भरता पसंद है। नहीं 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 हम नहीं बना सकते, हमें घी आती है। अच्छा मुझे मेरा दोस्त भी नहीं मिल सकता और पसंद का खाना भी नहीं, ये घर है कि जेल? लल्ला ठीक है लल्ला बना दे बैंगन का भरता। ज्वार की रोटी घी की नहीं? हाँ हाँ ठीक है बनाते बैंगन का भरता। हाय 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 सासू माँ, क्या सुगंध आ रही है। तू सुगंध ले और हमें जाने दे। अरे सासू माँ कोई देखेगा तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? यही कहेगा कि बेटे ने की बस एक मांग और माँ ने दे दी टांग। हम अपने लल्ला को टांग नहीं दे रहे हैं। हाय तो फिर बताइए बैगन का भरता दे
देवर जी के लिए अपने हाथों से सासू माँ। तुम लोग हम पर अत्याचार कर रहे हो। हाय हाय, और जो आप कर रही है हमारे ऊपर दो दिन से वो कुछ कहा? हाय हाय, मैं अब हाय सासू माँ, हम तो ये कह रहे थे कि आप अपने बेटे के लिए जो त्याग कर रही है ना, उसे देखकर हमारे आंखों में आंसू आ गए सासू माँ। ओ क्या क्या आंसू आ गए? हाँ प्याज के आंसू ना है, वहाँ प्याज पड़ी है, भर्ते के लिए काट जा। पिताजी, आप ये मम्मी के साथ अच्छा नहीं करवा रहे हो, मम्मी को मजबूर करने से पाप लगता है पिताजी। अरे अपने बाप को बैंगन का भरता खिलाने से तेरे सारे पाप धुल जाएंगे बेटा। और इससे मुझे मेरा दोस्त मिल जाएगा? जैसे ज्वार की रोटी और बैंगन का भरता हमें आनंद पहुंचाएगा, वैसे ही तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पास चलाएगा। हे भगवान, ये बैंगन की बलि स्वीकार करना और मुझे मेरा बचपन का दोस्त लौटा देना। लल्ला, लल्ला, ये सिर्फ हमने हमारे लल्ला के लिए बनाया है। आप काहे खा रहे थे? अरे हमने क्या खाया भाई? अरे थोड़ा दूर से देख रहे थे। मम्मी, ये भरता और रोटी इतनी अच्छी बनी है, सब खा लिया मैंने। अच्छा? हाँ। तेरे पिताजी ने तो नहीं खाया ना? आपने इतनी मेहनत से मेरे लिए बनाया था ना, तो पिताजी तो क्या मैं भगवान को भी ना दूं? इतना प्यार करता है हमारा लल्ला। फसा। इनके मुंह से बैंगन के भरते की डकार काहे आ रही है? अब तुम भी ना, अब मानव को खाते देखूंगा तो डकार तो आएगी ना। मम्मी, पिताजी क्या कर रहे हैं? मम्मी की साड़ियां फेंक रहे हैं। हाय हाय, पिताजी का अपने जीवन से मोह खत्म हो गया। हे भगवान, पिताजी जो भी कर रहे हैं बस उन्हें सही सलामत रखना। साड़ियों का भंडार कहाँ लगा है? भंडार नहीं, बेकार है ये। ये तो हमारी सारी पसंदीदा साड़ियाँ हैं। अरे भाग्यवान, ये सारी साड़ियाँ उस कबड़ी वाले की बीवी ने दी है। ये भी? हाँ ये भी। सब साड़ियाँ हमें दो, हम जाके बाहर से फेंक के आते हैं। अरे पर जरूरी है का? बहुत जरूरी है। देखो उन लोगों से हमारी दुश्मनी है तो उनका दिया हुआ कोई उपहार भी हम नहीं रखेंगे। लाओ साड़ी दो। ये साड़ी दो। पिताजी, ये हमारे दोस्त ने दी हुई साड़ियां हैं, इसे हम त्याग नहीं सकते। तब तो दुश्मनी ही त्यागनी पड़ेगी। और खा खा, आराम से खाना। रज्जो फिर से झगड़ा तो नहीं करेगी ना? अरे नहीं नहीं, तूने कितनी अच्छी अच्छी साड़ियां मुझे उपहार में दी है, मेरी अच्छी सहेली है तू। और तूने भी तो अपने हाथों से हमें बना बना के कितनी बार समोसे खिलाए हैं, तू तो मेरी पक्की सहेली है। बस रज्जो। अरे मेरी प्यारी सुरू। मुबारक हो भैया जी, मुबारक हो, ऐतिहासिक घटना मुबारक हो। भैया जी आज अपनी दोस्ती और बढ़ गई ना। आज बेटे लाल, लेकिन साथ में सुरू मासी की गैस की प्रॉब्लम भी ना। गैस की प्रॉब्लम हुई तो क्या हुआ, समोसे खा खा के ऐश भी तो किया। हाँ मम्मी भी बहुत खुश थी छोटे लाल। और ये सब था किसका कमाल? अरे पिताजी, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अरे भाई धीरे धीरे हम गिर जाएंगे। अरे छोटे लाल, अरे जिस बातों पर काबू रखो छोटे लाल। अरे भैया जी, ये महापुरुष ना आपके बाप नहीं है, सबके बाप हैं, सबके बाप हैं। पिताजी वैसे
आज अगर आप नहीं होते ना तो हमारी दोस्ती ना होती। बेटा आज हम तुम्हें एक और बात सिखाते हैं। ये इंसान जो होता है ना, ये अकेला रहने के लिए बना ही नहीं है, इसीलिए तो रिश्ते नाते और यारी दोस्ती बनाई है भगवान ने। एकदम सत्य वचन। और बेटा ये जब रिश्ते नाते यारी दोस्ती हमसे खो जाती है ना, तब इंसान अकेला पड़ जाता है और तब उसे उसकी कदर होती है। और यही कदर हम पहले कर लें तो रिश्ते नाते में यारी दोस्ती में दरार पड़ ही नहीं सकती। हाँ पिताजी, आज आपसे ना बहुत बड़ा ज्ञान मिला है। बेटा ईश्वर करे कि तुम दोनों की दोस्ती हमेशा बरकरार रहे। बिल्कुल पिताजी। पिताजी थैंक यू।